लेकिन कभी कभी कुछ होटल के अंदर है ना कोई डिश ऐसी सर्व हो जाती है, मैं आपको नहीं बताऊंगा और ना मुझे बताने की जरूरत है कि ये कैसा है। आपने कभी भी किसी भी मेरे 132 रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का सी फूड आपने देखा है? ये कैसा तवा वाला आइटम है यार। लेकिन इन्होंने जो इस बार जो मुझे जो मिल्क शेक जो दिया था ना, जबरदस्त था। आप एक बार वो पियोगे तो शालीमार का फालूदा भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बरकाती इस वक्त जो है न्यू मुंबई की वाशी की सरजमीन के ऊपर हूँ और आज मैं जो एक्सप्लोर करने आया हूँ वो शालीमार रेस्टोरेंट वाशी को एक्सप्लोर करने आया हूँ। जब कभी भी कोई वीडियो में स्टार्ट करता हूँ तो मेरे चेहरे पे इतनी खुशी नहीं दिखती होगी जितनी आज आपको दिख रही होगी। उसकी एक वजह है, आपको पता होगा कि मुंबई की चंद जो रेस्टोरेंट है वो जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है, जिन्हें कोई प्रमोशन कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, उनमें से चंद अच्छे ऑप्शन के अंदर एक जो ऑप्शन है वो शालीमार रेस्टोरेंट है। शालीमार रेस्टोरेंट जो है भिड़ी बाजार से इसकी कहानी शुरू हुई है और मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में होते हुए आज जो है कई ब्रांचेस इसकी खुल चुकी है। लेकिन आज जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं वाशी की जो ब्रांच है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूं, तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पे आया कैसे जाता है। ये वाशी के सेक्टर 19C के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे ये बोर्ड देख सकते हैं शालीमार रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल भी APMC मार्केट के सामने है। APMC मार्केट जो है मेरे पीछे है और RTO ग्राउंड भी यहीं पे है। तो यहाँ पे आप जैसे APMC मार्केट के पास आएंगे तो बिल्कुल भी ये आपको दिख जाएगी। अब मैं यहाँ पे अंदर आपको लेके जाता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डाइनिंग कितने तरीके के। पहले तो आप ये जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज किया था, अब ये बहुत जल्द जो है आपको रमजान बाद एक नए रूप नए अवतार में दिखेगा, इसका रेनोवेशन होने वाला है। और जैसे ही हम यहाँ से जो मेन है यहाँ से हम अंदर आएंगे तो एक जबरदस्त लेविश आलिशान हॉल आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे डाइनिंग के दो तरीके का इंतजाम है, एक तो ये नीचे का ये हॉल है और दूसरा जो है ऊपर है। जैसे आपने ये देखा है, आइए मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का उसका फर्स्ट फ्लोर का ये हॉल है, बहुत ही खूबसूरत सा लेविश आलिशान हॉल है। ये मेरा यहाँ पे डाइनिंग का इंतजाम यहाँ पर है, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें मेरी आ चुकी है। तो जैसे ही मेरे स्टार्टर सर्व होते हैं, मेन कोर्स सर्व होते हैं, राइस सर्व होते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ शालीमार में। जब तक आप यहाँ का फालूदा ना पियो ना, तब तक वीडियो अनकम्प्लीट लगेगा। तो चलिए, जैसे ही स्टार्टर सर्व होते हैं मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। सर ये हमारा चिकन मंचाउ सूप चाइनीज में है। चिकन मंचाउ सूप जी चाइनीज में है जी। हसबे मामूल शुरू करते हैं, पहले नमक से, नमक चख लिया और अब बिस्मिल्लाह करते हैं। चाइनीज का जो चटपटापन है, क्या आप उसका मुकाबला किसी और डिश से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मेरे बोलने करने की जरूरत नहीं है, बहुत लजीज है, जबरदस्त। ये हमारा प्रॉन्स डायनामाइट है। प्रॉन्स डायनामाइट, वाओ। एंड दिस इज खजाना प्लेटर। खजाना प्लेटर जी। तो इस प्लेटर में कितने आइटम हैं? जी 6 आइटम्स है। 6 आइटम है माशाल्लाह। ये हमारा सर चिकन सिजलर्स है, शंघाई सिजलर्स। चिकन शंघाई सिजलर्स जी। दोस्तों जबरदस्त धमाकेदार स्टार्टर सर्व हो चुके हैं, आइए आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है। हमारा शंघाई सिजलर्स है। ये है शंघाई सिजलर जी। देख रहे हो इसका कलर कितना जबरदस्त है। ये मटन सीख कबाब है सर। मटन सीख कबाब जी। ये पहाड़ी कबाब। पहाड़ी कबाब जी। ये रेशमी कबाब। रेशमी कबाब जी। ज़ाफ़रानी ज़ाफ़रानी टिक्का जी। चिकन टिक्का। चिकन टिक्का जी। और ये तंदूर। चिकन तंदूरी लेग। चिकन तंदूरी लेग पीस है ये जी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ये प्लेटर है पूरा, और ये चाइनीज है, और ये जो है प्राउंस? ये जो है इसका सुनिए, प्राउंस डायनामाइट जी।
ये देख रहे हो आप, ये प्राउन्स है, झींगा सी फूड। आपने कभी भी किसी भी मेरे 132 रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का सी फूड आपने देखा है? नहीं देखा। मुझे बराबर याद है कि किसी ने भी इस तरह का सर्व नहीं किया है, लेकिन ये बनता है शालीमार वाशी में। आई होप कि दूसरी ब्रांचेस में भी होता होगा, लेकिन मुझे शालीमार वाशी ब्रांच में ये प्राउन्स जो है मिला है। आप इसकी फिजिक्स देखिए कैसा है, देख रहे हो। चलो इसी से शुरू करते हैं। आप इसके अंदर का गूदा देखिए, इसको इसके अंदर एक सॉस है, उसके अंदर से उसको टिप करके खाया जाता है। ये इसके अंदर एक सॉस है, बहुत ही लाजवाब, जायकेदार, लज्जतदार, बेहतरीन। और आइए अभी ये कबाब देखते हैं कैसे। बिल्कुल लजीज, यमी यमी। मुंबई में एक से एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन उन चंद बेहतरीन ऑप्शन के अंदर एक ये शालीमार भी है। आप कभी टूवर्स, आप अगर आप कोकन की तरफ जा रहे हो, या आप जो है वो पूना की तरफ जा रहे हो, या आप साउथ में जा रहे हो, वाशी वाया वाशी होके जाना पड़ता है टाउन से, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाहर पार्किंग भी है, आपने देखा शुरुआत में, कोई टेंशन नहीं। अलगर्ज जितने भी मुझे स्टार्टर सर्व हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग आइए, ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको कैसा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा लगता है तो यकीनन आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको कैसा लगा मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों इतने लजीज पकवानात के साथ में, स्टार्टर के साथ में, अगर हमको इस तरह से काला खट्टा साथ में मिले ना, तो ये जो खाने की जो लज्जत ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्हेंस हो जाती। एकदम कुछ मुख्तलिफ लग रहा है ये हमारा मुर्ग दिलरुबा है। मुर्ग दिलरुबा, दिलरुबा एकदम रोमांटिक नाम, ऐसा डिश का नाम भी तो पहली बार सुना, मुर्ग दिलरुबा। जी हमारा चिकन काबुली है। चिकन काबुली जी, चिकन काबुली, वाह। मुर्ग दिलरुबा और चिकन काबुली। तो दोस्तों दिलरुबा को चेक करके देखते हैं कि कैसा लगता है। ये रहा पहले हमारा चिकन दिलरुबा, एकदम घट है। इसके अंदर जो लवाजमात यूज किए गए ना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो है चिकन काबुली, पतला है वैसा घट नहीं है। जिस तरह सऊदी अरब के अंदर, रियाद, बिल्कुल रियाद और जद्दा के अंदर, आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाते हो तो आपको कैसे मसालों का टेस्ट आता है, आज मुझे उन जायकों की याद आ गई। अलगर्स बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन, बेहद चटपटा, माशाल्लाह। ये कैसा तवा वाला आइटम है यार, मटन तवा पुलाव। मटन तवा पुलाव, वो भी तवे के अंदर। जी बिल्कुल। सार्फिन क्या आपने कभी भी इस तरह के डिश देखा है कि मटन आपको पुलाव दिया जाए, मटन तवा पुलाव, वो भी एक तवे के अंदर। इसको चेक करके देखते हैं, खाते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके अंदर भी देखिए मुख्तलिफ तरीके के, कई तरीके के, मुख्तलिफ नहीं, गलत हूँ मैं, कई तरीके के ऐसा लगता है मसालों के लवाजमात इस्तेमाल किए गए हैं। छोटी छोटी इस तरह की बोटियाँ हैं इसमें। बिरयानी का एक अलग मज़ा रहता है, पुलाव का एक अलग मज़ा रहता है, कि अगर आप पुलाव के शौकीन हैं तो ये जो तवा पुलाव है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी यूनिक, बिल्कुल मुख्तलिफ जायका है इसका। इतने लजीज पकवान खाने के बाद अगर आपको शालीमार में आए हो, और शालीमार में आने के बाद अगर शालीमार में फालूदा ना पिए हो, तो यकीन जानिए कि आपने कुछ कमी कर दी है, या आपने जो चीज़ आपको चखना चाहिए, जो चीज़ आपको पीना चाहिए, वो आपने मिस किया है। अब ये जो है शालीमार का फालूदा है, और ये जो है शालीमार का मिल्क शेक है। अब जब मसालेदार, जब ये मुख्तलिफ किस्म के पकवान जब खाते हो, और उसके ऊपर अगर आप ये ठंडे दूध के फालूदे और मिल्क शेक पी लो ना, तो एसिडिटी वगैरह से आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए, मेरी पूरी टीम जो है वो ये फालूदा पिएगी,
और मेरे लिए जो है ये फालूदा है और ये मिल्क शेक है। इसकी खुशी कितनी है मेरे चेहरे पे आपको नज़र आ रही होगी। इस मिल्क शेक के अंदर ऐसा लगता है कि आइसक्रीम भी डाली हुई है, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। और ये है शालीमार का फालूदा। इसको एक पीने का तरीका है, पहले इसको नीचे जो चाशनी रहती है उसको मिलाया जाता है, और अब जो है शालीमार का मेन फालूदा। मैं आपको नहीं बताऊंगा और ना मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये कैसा है। बड़ा ही मशहूर और मारूफ है शालीमार का फालूदा, और मुंबई के चंद बेहतरीन फालूदों के अंदर से एक फालूदा शालीमार वालों का भी है। आप आइए और टेस्ट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, शालीमार वाशी को एक्सप्लोर करने का जो मेरा तजुर्बा था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बेहतरीन था, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा था। मैं बहुत कम बार इन अल्फाजों को इस्तेमाल करता हूँ जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि होटल वाले हमेशा अच्छे से अच्छा खाना सर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ होटल के अंदर है ना, कोई डिश ऐसी सर्व हो जाती है जो यादगार रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो प्राउन्स था, डायनामिक प्राउन्स था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और यहाँ पे जो तवा पुलाव था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शालीमार के फालूदे का मैं दीवाना हूँ, वो तो मुझे अच्छा लगा ही लगा, लेकिन इन्होंने जो इस बार जो मुझे जो मिल्क शेक जो दिया था ना, ज़बरदस्त था। आप एक बार वो पियोगे तो शालीमार का फालूदा भूल जाओगे। ये मेरा अपनी पसंद, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पर्सनल बात कह रहा हूँ। चंद मुंबई की बेहतरीन रेस्टोरेंट के अंदर एक ये रेस्टोरेंट है, और अगर आप इस रेस्टोरेंट के ताल्लुक से कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और जो कुछ भी इंक्वायरी हो, चाहे आपको यहाँ के डिश का कुछ रेट जानना हो, या लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है, या एक्स वाई जेड जो भी मालूमात आप हासिल करना चाहो, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके मालूमात हासिल ले सकते हैं। इसके साथ ही शालीमार जो है, ये नहीं है कि इनकी जो चार ब्रांच है कहानी ख़त्म हो गए, नहीं, मुंबई के चंद बेहतरीन कैटरर्स के अंदर से एक ये कैटरर्स भी है। कैटरर्स के ताल्लुक से अगर आप कुछ इंक्वायरी हो या कैटरर्स के ताल्लुक से आप कुछ जानना चाहते हो, तो कैटरर्स के अलहदा नंबर है, सेपरेट नंबर है, स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप उसके ताल्लुक से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपने बहुत जगह पे, अगर मुंबई से आप ताल्लुक़ रखते हो तो बहुत जगह पे देखा होगा कि शालीमार कैटरर्स का खाना आपने ज़रूर खाया रहेगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करता हूँ। इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा कि चल अच्छी जगह पर, जो अच्छी जगह पर अच्छी सर्विस मिली ना, उसके अंदर से एक जो है वाशी के अंदर जो मुझे बहुत बेहतरीन सर्विस मिली, यहाँ का स्टाफ बड़ा अच्छा था। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।